एवरीवन, दिस इज कृतिका शर्मा मेकओवर्स एंड आई एम रियली सॉरी कुछ टाइम से मैं बिल्कुल भी टच में नहीं थी आप लोगों की और काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया अबाउट मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट आई एम बैक नाउ. और आज मैं आपको करके बताऊंगी हाफ फेस मेकअप ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको सारी डिटेलिंग दूंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे और क्या क्या चीज़ें अप्लाई करने से आपका फेस पे मेकअप बहुत अच्छा लग सकता है या कौन सा मेकअप कब यूज़ कर सकते हैं. तो सब चीज़ें आज हम डिटेल में बात करेंगे एंड आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए. और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है. यू जस्ट हैव टू प्रेस द हिट बटन ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं लगाऊंगी टिप क्योंकि आज का मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट है हाफ फेस मेकअप ट्यूटोरियल. और अभी मैंने टिप लगा लिया है. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इंडल्जियो एसेंशियल का रोज़ गोल्ड ऑयल. इसका प्राइस है 1250 रुपीज़ और ये आपको माइनाइका से इजीली अवेलेबल हो जाएगा. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एले गर्ल प्रो कंसीलर्स ऑरेंज एंड प्योर बेज. और जहाँ पर भी आपको अपने फेस पर डार्क पैचेस लगे आप इसको अप्लाई करें और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें अपने फेस पर. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कलर बार का फाउंडेशन. इसका शेड है आइवरी फेयर और ये आपको किसी भी ब्यूटी शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएगा. आप इसको अच्छे से अप्लाई करें अपने फेस पे और अच्छे से इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर लें अपने फेस पे. और अभी आपको ये काफ़ी वाइट और अभी काफ़ी डिफरेंस दिखेगा बट धीरे धीरे मेकअप पूरा सेटल हो जाता है. इसके बाद मैंने अभी अप्लाई किया एले गर्ल प्रो कंसीलर का येलो कंसीलर. इट्स येलो करेक्टर और NYX की कंटूर स्टिक. ये भी आपको माइनाइका से इजीली अवेलेबल हो जाएगी. NYX का कंटूर स्टिक इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें. और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ MAC का कलर करेक्टर. जहाँ पर मुझे फिर भी थोड़े से डार्क पैचेस दिख रहे हैं उस पर मैंने अपना MAC का कलर करेक्टर अप्लाई किया है. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना कलर बार का कॉम्पैक्ट हाफ फेस पे ताकि जितना ऑयली है वो थोड़ा मैट हो जाए. इसके बाद मैंने अपना MAC का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है. इसका शेड है पैलेट का शेड है वार्म न्यूट्रल और इसमें से मैंने 3 शेड अप्लाई करे हैं और ये मैंने आपको तीनों शेड अभी इसमें दिखाया है कि मैं कौन कौन से शेड अप्लाई कर रही हूँ तीनों. और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट. अब मैं अप्लाई करूँगी रेने बाय आशका गोराडिया के लैशेस और इन लैशेस का स्टाइल है #ash और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा माइनाइका से. ये लैशेस का प्राइस है 850 रुपीज़. अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन. इट्स अ वाटर प्रूफ मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी NYX की वाइट फॉक्स पेंसिल. ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी माइनाइका से. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फेसेस का स्वीट एप्रिकॉट ब्लश. इसके बाद मैंने अप्लाई किया एनेस्थेसिया बेवरले हिल्स का एप्लीकेटर और सॉफ्ट ग्लैम हाइलाइटर. और अभी मैंने किए हैं अपने ब्रोज. और ये पेंसिल जो है इट्स फ्रॉम शुगर ब्रांड. और अब मैंने अपने आईज़ का कॉर्नर हाईलाइट किया फ्रॉम द सेम पैलेट MAC पैलेट. और अब मैंने अप्लाई किया है NYX की लिपस्टिक. अब मैं यूज़ करूँगी NYX मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे. ये बिल्कुल मैट फिनिश देता है. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस नो मेकअप एंड मेकअप. नो मेकअप. ओ माई गॉड, मेकअप वर्क्स लाइक अ मैजिक. तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? आई होप कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो. आई नो मेकअप वर्क्स लाइक अ मैजिक. और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई ID इज कृतिका शर्मा मेकओवर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल माई यूट्यूब चैनल विच इज कृतिका शर्मा MUA. एंड गाइज प्लीज़ कीप योर लवेबल कमेंट्स, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग. एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द हिट बटन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको फट से नोटिफिकेशन आ जाए दैट आई एम बैक. एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. If you want to ask me anything about makeup or any beauty tip, you can comment below or you can DM me on Instagram.
आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द हिट बटन. थैंक यू सो मच. बाय. Love you.